नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण 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 का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि बहुत बार हम अपने कोशिश करते हैं हमारी वाणी हमेशा मीठी रहे, सबके साथ रहे, लेकिन कितनी बार होता है कि घर में, कि संस्था में, कि कहीं भी कर्मचारियां हैं जो अपने काम अपने हिसाब से नहीं करते हैं तो गुस्सा आता है, तो वाणी हमारी बिगड़ जाए, मतलब तेज बोलने लगते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए आपको एक तो निरंतर साधना करनी होगी, पहली बात है ना। ये हमको अच्छे से समझ लेना होगा कि एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या होता है, सामने वाले ने काम नहीं किया उसका, है ना। हम लोग सीधे उस पर दोषारोपण करते हैं कि सामने वाले ने काम नहीं किया। कई बार हमारी निगेटिविटी, उस कार्य को होने से रोक देती है। जी, आप समझ रहे हैं बात को, हमारी निगेटिविटी रोकती है और हम उस पर दोषारोपण कर देते हैं और चिल्लाने से और अधिक कर्म बंधते हैं, तो और ये भी हमें देखना होगा कि चिल्लाने से वो काम कर देता है क्या, है ना। और यदि कर देता है तो डर के ही मारे करता है, और भीतर से उसके क्या निकलता होगा सोचिए, कौन सी दुआ देता होगा आपको संबंधित व्यक्ति, है ना। तो इससे निजात पाने का, देखिए बारंबार नारायण शास्त्र के माध्यम से वाणी की बातें चल रही है, वाणी का सदुपयोग करें, धीमी बोले, है ना। और आपको पता है कि सर्टन हेल्पर है या कोई संस्था का व्यक्ति है, जब तक चिल्लाओ नहीं मानेगा नहीं, है ना। एक तो ये मानसिकता हमें चेंज करनी होगी, जो मानसिकता हमने बना रखी कि जब तक चिल्लाओ नहीं ये लोग नहीं मानने वाले, कभी धीरे बोल के देखिए, क्योंकि हमने कभी प्यार से उनसे बात नहीं की तो हमारी बातचीत समझेगा कैसे, है ना। और प्यार से आपने बोला उसके बाद भी नहीं कर रहा है, तब भी आपको देखना है रीजन क्या है कि क्यों वो कार्य नहीं कर रहा, जिस तरह का कार्य आप चाहते हैं उनसे कर पाता। और बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट देखिए, है ना, कि जब साधना आप कर रहे हैं तब क्या करना रहेगा, रात को सोने के पहले, आपको पता है कि सर्टन एम्प्लॉय ऐसा है कि दो बार बोलने के बाद ही आवाज थोड़ी तेज करेंगे तो काम करेगा, है ना, ये हमारे माइंड में सेट हो गया। तो रात को सोने के पहले, ताकि आपकी वाणी ऊंची ना हो, कर्म हमारे ना बंधे, और बारम्बार हमारा जो महायज्ञ चल रहा है उसमें भी सिर्फ वाणी की चर्चा होती है, यदि आप लोग जुड़े होंगे तो, है ना। तो क्या करना होगा कि रात को सोने के पहले 10 मिनट का समय दीजिए, सिर्फ 10 मिनट का, है ना। और उस व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए जिसके प्रति आपके मन में जरा भी है कि इसके जोर से बोले बिना वो नहीं मानने वाला, उस व्यक्ति को फोकस कीजिए और उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए कि मुझे पता है कि आप बहुत सिंसियर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एक बार बोलने के बाद आप काम कर लेते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, उसे एप्रिसिएशन भेजिए, वाइब्रेशन के माध्यम से। और आप पाएंगे अगली बार जब आप प्रेम से उनसे व्यवहार कर रहे हैं वो उतने ही प्रेम से बिफोर टाइम आपका काम कर देते, तो आपकी वाणी भी संयमित रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। बहुत अच्छे समझ। हाँ, पर नियमित करनी होगी साधना, आपको नियमित करनी होगी, नियमित। जी 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 सर, क्योंकि आपके वाइब्रेशन जा चुके हैं ब्रह्मांड में कि जब तक जोर से ना बोलो सामने वाला सुनता नहीं है, है ना। अभी उसे बैलेंस करने के लिए बारंबार पॉजिटिव एनर्जी भेजनी होगी, अब अच्छे से समझ में आ गया। दीदी एकदम निश्चित, आज अब आपको सुनने के बाद कम से कम दीदी किस परिवार में किसी का के साथ वॉल्यूम तेज नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और वॉल्यूम तेज नहीं हुआ मतलब एल आर एफ सी आजीवन सुख शांति से समृद्धि से भरा घर रहेगा। जी दीदी। दीदी अभी अगला प्रश्न पूछेंगी रिमझिम अजमेर से। दीदी मेरी छोटी सिस्टर उनके साथ मेरा रिश्ता हमेशा सहेलियों वाला रहा है। हम लोगों ने बचपन में बहुत मस्तियां की हैं। वो हमेशा टॉमबॉय रही हैं और आज भी टॉमबॉय ही हैं। घर भी संभालती हैं और साथ में अपने तो टॉमबॉय जैसा नहीं है, बहुत सिंसियर लग रहे हैं। तो दीदी ऐसे वो दीदी फार्मेसिस्ट हैं पर घर गृहस्थी के लिए उन्होंने अपना फार्मेसिस्ट का जो करियर था वो छोड़ दिया कि मेरे लिए मेरा परिवार महत्वपूर्ण है और उन्होंने परिवार को संभाला और आज परिवार के साथ साथ हस्बैंड के बिजनेस में भी पूरी तरह से हेल्प करती हैं। एनआरएसपी से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। रेकी दोनों रेकियां करुणा रेकी नारायण रेकी दोनों कर रखा है और पूरी तरह से शिद्दत से फॉलो करती हैं और नारायण भवन में सेवाएं भी दी थी दोनों ने। उनकी बेटी भी उनके साथ है रूपल उसने और रिमझिम ने। तो दीदी अगला प्रश्न रिमझिम पूछेंगे आपसे। बिल्कुल नारायण नारायण दीदी नारायण नारायण नारायण। पापा कुछ कहना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं संध्या जी। हाँ ये कहना चाहूंगा कि रिमझिम एक ऐसी लड़की है कि जिसमें टैलेंट भरा पड़ा। इसने फार्मेसी का कोर्स किया, उसने यूपी में टॉप किया, बीएससी भी किया और ये देख उससे भी ज्यादा बात आश्चर्य की ये है इसने बीएससी मैथ से किया जबकि फार्मेसी में बायोलॉजी की ही जरूरत होती है। इसके बावजूद भी इसने उसमें टॉप किया, तो इसके लिए मैं कह नहीं सकता कि इसकी मेहनत और इसके टैलेंट का क्या क्या हिसाब, लेकिन इसने बहुत बढ़िया किया। आज तो पापा बहुत गदगद हो रखे हैं। नारायण नारायण दीदी नारायण नारायण दीदी मैं बॉम्बे में दीदी की एनिवर्सरी पे आपसे मिली थी और जब से मिलके आपसे बहुत अभिभूत हूँ और तब से लगातार आपको फॉलो कर रही हूँ और अभी लास्ट ईयर से दीदी हम लोग लगातार हम सारे भाई बहन रोज डेली अपना माला का प्रोग्राम हमारा रहता है और आप दीदी यकीन नहीं मानेंगे जब से मैं मिली हूँ मेरे जीवन में कभी भी एक सेकंड के लिए भी क्षण भर के लिए भी मेरे मन में निगेटिविटी नहीं आती है। हर वक्त यही रहता है कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, कभी गलत नहीं होगा, आप ऊपर वाले पे नारायण पे विश्वास आपका सब अच्छा होगा। दीदी मेरे से मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं पर कोई ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है वह आपके साथ अभद्रता कर रहा है तो ऐसे में मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए इंसान? देखिए ये आप हैं जी, दिखाई दे रहा है ये वो व्यक्ति जो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है और रिश्ता आपका करीबी है। बिल्कुल बराबर है ना। तो आपको क्या करना है, इसका गलत व्यवहार सुधारना है, क्या करना है आपको? हाँ जी। क्या प्रश्न क्या है आपका? अभद्र व्यवहार कर रहा है सामने वाला तो अपनी मानसिक शांति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके 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 ओके। हाँ इनके गलत व्यवहार से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। तो अपने मन की शांति कैसे बनाए रखें, राइट? और नियर का रिश्ता छोड़ भी नहीं सकते हैं, राइट? आपको समझ लेना होगा अच्छे से कि ये जो व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ ये आपके अपने कर्मों का नतीजा है, ये मात्र माध्यम है, है ना। जो ही हमें ये एहसास हो जाता है, समझ आ जाती है कि इनका व्यवहार जो गलत मेरे प्रति हो रहा है ये नतीजा क्या है, मेरे कर्मों का नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल इनको ना बराबर में लो नारायणा, साथ में लो तो मुझे बराबर समझाने में आसानी होगी। हाँ इतना समझा आपको, सच्चाई यही है शास्त्रों के अनुसार कि जो कुछ भी हम भोगते हैं सुख भोगते हैं तो दुख भोगते हैं, तो जिसके माध्यम से भोगते हैं वो माध्यम रहता है, कर्म हमारे रहते हैं, है ना। अब जो ही आपको ये अवेयरनेस आ गई कि कर्म तो मैं मेरा भोग रही हूँ, राइट, है ना, वो तो वो वाली बात हो जाती है कि समझो कोई कीमती सामान आपके पास आया कांच का, वो आपके हाथ से गिर कर टूटा तो आपकी मुंह से जल्दी से क्या निकलता है, गलती से मेरे हाथ से छूट गया,
है ना, आप अपने आप को कुछ चिल्लाते नहीं, कुछ गुस्सा क्रोध नहीं करते हैं। यदि यही कीमती सामान आपका हेल्पर के हाथ से गिर जाता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो लाउडनेस आ जाएगा। थोड़ा सा कितना क्वांटिटी में होगा उस वक्त नहीं बोल सकते है ना। तो आप जैसे तुरंत खुद को क्षमा कर देते हैं, यही अवस्था है कि ये जो व्यवहार कर रहा है ये हमारे कर्मों का नतीजा है, बराबर है ना। पर अब हम नहीं भोगना चाहते और मानसिक शांति भी बनाए रखना चाहते हैं, एक तो इसका गलत व्यवहार नहीं भोगना चाहते, साथ ही साथ हम मानसिक शांति भी बनाए रखना चाहते हैं, राइट। ये दोनों चीजें अपने को चाहिए जी। तो क्या करना होगा, ये जब जो व्यवहार कर रहा है व्यक्ति, गलत व्यवहार जो कर रहा है, सहज ही हम परिवार के सदस्यों से चर्चा कर बैठते हैं, इसने ऐसा ऐसा किया इसलिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो रखी, राइट है ना। पर आप बारंबार इस जैसा व्यवहार कर रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, आपको जैसा व्यवहार इनसे चाहिए है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल है ना। चर्चा किसकी कर रहे हैं कि इनका गलत व्यवहार है, वो चर्चा हो रही है, आपको इनका अच्छा व्यवहार चाहिए है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड कहता है, यूनिवर्स कहता है, प्रकृति कहती है कि जो आपको चाहिए है वो बोलो, क्योंकि जो आप बोलते हो मिला के देती हूँ आपको, ये सच्चाई है कि इनका व्यवहार गलत है, पर वो बोलिए जो आपको चाहिए है ताकि इसके बाद अगला एक्शन वो ये रहे कि जैसा आपको चाहिए। तो ये जब गलत एक्शन कर रहे हैं, व्यवहार आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए है, सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल, पोलाइट है, क्या चाहिए आपको, लविंग है, केयरिंग है, पोलाइट है। तो ये एक्शन गलत कर रहे हैं, पर जब आपने बोलना शुरू किया है बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत पोलाइट है, इधर आग लगी हुई है आपने पानी छिड़के ये ठंडा होगा, आपने बुलाए तो हमेशा से आज तक गलत व्यवहार ही करते आए, राइट, आपने केरोसिन डाला आग लगेगी, इमीडिएट जोर से भी नहीं बोलना है, वाइब्रेशन की स्पीड इतनी तेज है, आपने भीतर खाली रिपीट करना शुरू किया, पोलाइट है, पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, ये वाइब्रेशन भीतर बोल रहे हैं आप और फॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं, फिर सामने तो कुछ और दिख रहा है ना, फिर भी आप देखना कैसे ये जो इनका धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। थैंक यू दीदी, आप समझ रहे हैं। और यदि आप बोलते गए इनका व्यवहार हमेशा से ऐसा है तो व्हाट यू वांट, जो चाहिए है वो बोलना, ताकि प्रकृति आपके लिए वो व्यवस्था कर सके, आप बताएंगे तो व्यवस्था हो। तो इस क्षण से ये व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, चैप्टर क्लोज। बहुत पोलाइट है, लविंग है, केयरिंग है, बोल के देखिए और उनके व्यवहार में परिवर्तन देखिए। कब तक बोलना पड़ेगा, जब तक आपको मन चाहा परिवर्तन उनके भीतर नहीं आता। अभी साधना चलेगी आपकी, अभी आपने बोलना शुरू किया बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, फिर भी यदि जरा सा भी वॉइस रेस हुआ उनका, है ना, अगेन तो जितना उनका वॉइस रेस होगा उतनी आपकी आवाज धीमी होनी चाहिए, बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, राइट। ओके थैंक यू दीदी। फिर अपना एक्सपीरियंस अंदाजी के सामने शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सके और बहुतों को इसका लाभ मिल सके। जरूर जरूर दीदी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आपका अजमेर आना ड्यू है, लास्ट टाइम कोरोना की वजह से रह गया था, तो एक बार आपके अजमेर जब भी आएंगे आप मेरे घर जरूर आप दर्शन ला लीजिए। ऑफकोर्स 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 ऑफकोर्स। थैंक यू दीदी। दीदी इस प्रश्न का जो आपने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है हम हमेशा बोलते इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, आज दीदी ये लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रीजन हम है, अगर हम ये रीजन ढूंढना शुरू करें अपने अंदर तो सारी शिकायतें
सिर्फ और सिर्फ प्यार बचेगा, लव रिस्पेक्ट फेथ केयर बचेगा। बस 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 और वही चाहिए हमारे परिवार में, तो आज अभी इसी क्षण सीधी सिर्फ लव रिस्पेक्ट फेथ केयर ही बचा है। यस यस यस। हाँ दीदी, अगला प्रश्न मेरे और सुधीर जी के अग्रज सुनील भैया पूछेंगे। दीदी पापा जी नहीं है लेकिन भैया हमेशा एक बड़े भाई और एक पिता की भूमिका में हमेशा रहे हैं, और हमेशा किसी भी चीज के लिए मुझे या सुधीर जी को कभी कहना नहीं पड़ता या बच्चों को कभी कहना नहीं पड़ता, उन्हें पता है हमें कब उनकी जरूरत है। बिना बोले दीदी हमारी जरूरतें हमारी आवश्यकताएं वो समझते हैं, और एक पिता की भांति दीदी हर पल हर क्षण हमारी जरूरतों पर हमारी खुशियों में हर जगह हमारे साथ मौजूद होते हैं। फोन पे दीदी दिन में इतना कनेक्शन है दीदी, इतना कनेक्शन है कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो अगर हम सोचे कि हम भैया को ना बताएं भैया परेशान हो जाएंगे, तो वो दीदी कनेक्शन वो पिता और बच्चों वाला कनेक्शन इतना दृढ़ है कि उनका फोन आ जाएगा कि सब कुछ ठीक है ना। तो दीदी मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगी। नारायण भैया, नारायण नारायण, बहुत बार हम आपकी प्रशंसा संध्या जी से सुन चुके, जो आज इन्होंने कहा अक्सर हमसे कहते हैं कि मेरे पापा की भांति वो बैठे हुए वहां पर और हम मिले भी थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर्वप्रथम दीदी आपका एक गुप्ता परिवार में आज स्वागत है, और एक छोटा सा प्रश्न है, उससे पहले मैं पापा जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो शुभ दिन है और हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं उनके जन्मदिन की वजह से आज इकट्ठा हुए हैं। दीदी एक छोटा सा हमारा प्रश्न है कि हम लोग अपने कार्य को करने के लिए अपनी गलती को छुपाने के लिए डर की वजह से झूठ बोल देते हैं, और कार्य होने के बाद पता लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए या उसका एहसास होता है हमको, और फिर पछतावा भी होता है कि हमने गलत कर दिया, हमारी इस कार्य से किसी दूसरे को ठेस भी पहुंची। तो ऐसा क्या करें जिससे हम झूठ ना बोले किसी कार्य को करने के लिए, इससे बाद में पछताना ना पड़े। देखिए ये भी एक साधना है ना, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करिए, कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपने किसी कार्य के लिए झूठ बोला है ना, या गलती छिपाने के लिए या डर के हमने झूठ बोल दिया, और कार्य होने के बाद आपको पछतावा हुआ है ना, आप कोई बोल रहे हैं ना पछतावा, तो दोबारा ऐसा कर्म हमसे ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत आसान तरीका है कि रात को सुदात को इसलिए बारंबार साधनाएं बताते हैं कि रात को हमारी जो चीजें हम यहाँ पर डाल के सोते हैं, नींद आने के बाद माइंड हमारे दिमाग के पास वो लास्ट से काम रहता है जो हमने मैसेज छोड़ रखा है काम करने के लिए, तो सब कॉन्शियस माइंड 5-6 घंटे 7 घंटे हम सोते हैं तब तक उसी एक चीज पर कार्य करता है जी। है ना, वो हमारे सिस्टम में चीजें आ जाती है, याद रहता है कि पिछली बार मैंने किया था मुझे पछतावा हुआ अब मुझे काम नहीं करना, तो क्या करना रहेगा आपको, आपको वो सीन बराबर देखना होगा पहले कि जहां पर आपने झूठ बोला, चाहे अपनी गलतियां छिपाई या आपने डर के बोला, दोनों अवस्था में रीजन बंद से आपने देखा झूठ बोला, काम होने के बाद आपको पछतावा होगा, राइट, वो सीन आपको देखना है। उस सीन देखने के बाद भी देखना है कि इस बार तो मैंने झूठ बोल दिया था पर ये मुझे क्या करना चाहिए था इसकी एवज में, जब झूठ बोल दिया आपने तो इसकी एवज में आपको क्या करना चाहिए था, उस वक्त सच बोल देना चाहिए था, राइट ना, फिर आपको पछतावा नहीं होता। तो उस दृश्य में आपको देखना है कि दोबारा जब ऐसी कोई प्रसंग मेरे जीवन में आएगा घटित होगा मैं सच बोलूंगा, आप समझे, आपने उस सीन में डाल दिया, दोबारा यदि इस तरह की कोई भी प्रसंग कोई घटना मेरे सामने आती है तो मैं सच ही बोलूंगा, और जिस क्षण आपने धार लिया कि ऐसा कोई प्रसंग मेरे भीतर मेरे सामने आता है मैं सच बोलूंगा, तो आपने प्रकृति से कमिटमेंट कर दिया सच बोलने का, तो जो झूठ आपने बोला है उसका कर्म आपको बहुत कम भोगना पड़ता है, भोगना तो पड़ता है पर उसमें आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाता है, फिर दोबारा जब वो प्रसंग सामने आया आप एकदम अवेयर रहेंगे कि पिछली बार मैंने गलती की थी इस बार मैं गलती नहीं करूंगा,
क्योंकि आपने फोकस कर दिया था कि झूठ की जगह मुझे ये बोलना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई और जो ये प्रसंग सामने आएगा सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा कि यहाँ मुझे सच बोलना है। इज इट क्लियर? हाँ इनका शायद था दीदी, बहुत ही अच्छा प्रश्न था क्योंकि सामान्य जीवन में हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पर कई बार हमें सच बोलना होता है पर ऐसा लगता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा या तो हम झूठ बोल देते हैं लेकिन बाद में लगता है नहीं बोलना चाहिए था। तो दीदी ये जो आपने टेक्निक बताई है ये जो हमारे अंदर गिल्ट आता है जो हम बिना हमारा इंटेंशन नहीं होता झूठ बोलने का लेकिन चीजों को संभालने के लिए झूठ बोलते हैं उस लेकिन वो ग्लानी मन के अंदर आती है उस गिल्ट से हमें ये चीज जरूर बाहर ले आएगी।